खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर आज सिरसा में एक मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में आम जनता के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी जुड़े और नशा मुक्ति का संदेश दिया। यह मैराथन टाउन पार्क से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए भगत सिंह चौक पर जाकर समाप्त हुई। इस मैराथन में युवाओं के साथ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन भी दौड़े और लोगों को नशा छोड़ने को लेकर अपील की। वहीं इस अवसर पर KL थिएटर द्वारा नशे के खिलाफ नाटिका प्रस्तुत की गई। वहीं पर डवाली के बठिंडा हाईवे एक निजी स्कूल में डवाली पुलिस की ओर से भी अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इसमें समाज को यही संदेश है कि जो समाज में नशे जैसी बुराई फैली है उसे खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है। इस अवसर पर आज उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि नशे जैसी बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। उन्होंने कहा कि परिवार वालों को अपने बच्चों के साथ निरंतर बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है तो उस पर सही रास्ते पर लाए जाने का प्रयत्न होना चाहिए। वहीं परिवार के साथ साथ समाज और अन्य लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी नशा बेचते या करते हैं उनकी शिकायत पुलिस को दी जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है और पूरे विश्व भर में ये मनाया जा रहा है और इसमें यही एक संदेश समाज को देना होता है। पूरे विश्व भर में जो वो चल रहा है कि जो भी नशा है उसको हमको प्रिवेंट करना है, यानी कि कैसे नशा समाज में अगर फैल रहा है तो उसको रोकना है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें भूमिका परिवार की होती है, क्योंकि जो बच्चे की पहली पाठशाला है वो उसके माता पिता जो सिखाते हैं वो होता है। तो आज हमने भी यही बोला है यहाँ लोगों से और प्रयास किया है कि सबसे पहले संस्कार माता पिता देते हैं अपने बच्चों को, और उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा किस संगत में जा रहा है। उनको निरंतर बातें करते रहना चाहिए अपने बच्चों से कि कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है, चाहे वो नशे में जा रहा है या उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का विकास हो रहा है या अपराध कर रहा है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार जो है अपना दायित्व समझे, विशेषकर माता पिता। इसके बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो उनके जो मित्रगण हैं, परिवार के जो क्लोज के लोग हैं या जो रिश्तेदार हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनको भी ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहा है, कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है। साथ ही समाज, हमारे मोहल्ले के अगर कोई बच्चे हैं या हमारे गांव के कोई बच्चे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी कि उनको हम गलत जगह जाने से रोकें, उनको टोकें, उनके माता पिता को बताएं कि गलत संगति में जा रहा है। तो समाज को भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाना है। और फिर आती है जो भी सामाजिक संगठन हैं या जो विभिन्न संस्थाएं हैं, वो अपना रोल निभाएं। तो सभी अगर अपना रोल निभाने लगे इसमें, सभी अपना दायित्व समझें, तो निश्चित रूप से हम नए बच्चों को नशे में जाने से रोक सकते हैं। इसी तरह प्रयास करना चाहिए कि जो पुराने बच्चे हैं उनका नशा छुड़वाने के लिए हम लोग लगे रहें। तो उसमें सबसे बड़ी बाधा आती है कि फॉलोअप नहीं हो पाता। एक बार दवाई तो डॉक्टर ने शुरू कर दी 4-5 दिन, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो समझ में नहीं आता। तो उसमें भी समाज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि वो हमेशा ये इंश्योर करे कि जो भी बच्चा डी एडिक्शन के लिए जा रहा है उसका कंटिन्यू से प्रोसेस चलता रहे। ये प्रक्रिया क्योंकि 1 या 2 साल या उससे भी लंबी चलती है जब कोई नशा छोड़ता है, तो उसमें भी परिवार और समाज का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। तो सबको मिलके अगर हम काम करेंगे तो सबसे पहले तो नशे को रोक पाएंगे और साथ ही जो नशा कर रहा है उसका नशा भी छुड़वा पाएंगे। और अगर ये सामूहिक प्रयास बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं और समाज में एक आत्मीयता का भाव होना चाहिए, एक अपनत्व का भाव होना चाहिए लोगों के बीच में कि अगर कोई नशा कर रहा है तो वो हमारे परिवार से भी संबंधित है, मतलब हम उसको अपने परिवार की तरह माने, तभी हम जो है नशे पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। सर, हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं, एक जो सिरसा पुलिस के 2 नंबर हैं, एक व्हाट्सएप वाला नंबर है, एक दूसरा नंबर है, उसमें बिल्कुल किसी को कोई आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसका प्रोसेसिंग होता है, उस पर फिर कार्यान्वयन भी होता है, उसका पूरा हम डाटा एनालिसिस करते हैं। साथ ही अभी जो हमारा स्टेट एंटी नार्कोटिक ब्यूरो है उसने भी अपना एक जो है टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसके हमने पूरे ज़िले में पोस्टर भी लगाए, तो लोग बिल्कुल निसंकोच होकर बताएं और कहीं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। ये बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि नशा दिनों दिन शहर में, गांव में, हर जगह बहुत बढ़ता जा रहा है और इससे हमारे बच्चे जो है उनकी दिनों दिन
मृत्यु हो रही है, दुर्घटना हो रही है, क्योंकि नशे के वो इतने आती हो गए हैं कि नशे के बगैर वो एक मिनट भी नहीं रह सकते। और हमारे पुलिस प्रशासन ने भी कमजोर, इन्होंने ये कार्यक्रम आरम्भ किए और घर घर जाके भी लोगों को समझाया कि बच्चों को नशे से आप दूर रखें। फिर भी हमारे समाज के लोगों ने बहुत किया और अब हम सभी मिलकर घर घर जाके वार्ड वाइज जाके इस नशे को दूर करना है, ताकि जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको बचाया जा सके। और जो उनके माता पिता हैं, वो बेचारे दिन रात भटकते फिरते हैं, बच्चे या तो स्वर्गवास हो गए और या नशे। इसीलिए यूएनओ की तरफ से, डब्ल्यूएचओ की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सभी जोन को पूरी दुनिया भर में नशे से आजादी नाम से ये एक सम्मेलन, सेमिनार और लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है, तो जिससे स्पष्ट है कि इस नशे की बुराई से सारे ही देश पीड़ित है। तो जिसमें हम लोग भी पीड़ित हैं, आप सभी लोग पीड़ित हैं, अपना डबवाली भी इस नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। और अब जो नशा बढ़ रहा है दिन भर आप लोग देखते हैं कि नशा एक विकराल रूप ले रहा है। और देखो, नशा एक ऐसी चीज है कि अभी सरपंच साहब ने बताया कि चिट्टे का नशा ऐसा है कि बहुत ही छोटी सी मात्रा में होता है। आपको पता है कि परिवार जन को भी 6-7 महीने लग जाते हैं पता करने में कि उनका लड़का नशा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसमें हमारे सबसे बड़ी हमारी समाज में कमी क्या है कि बच्चों को संस्कार वाली समस्या है। अब वो पहले वाली बात तो रही नहीं कि बच्चे पहले जैसे माँ बाप का, गुरुओं का कहना मानते थे, अभी इतना तो मानते नहीं। तो अब हमें संस्कार देने का प्रयास तो करना ही है। साथ में सतर्कता बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं,